हेलो सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काउंटर्स ऑफ चैंपियन का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि खेल में और कौन कौन से हीरोज ऐड होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलिजियम, जहाँ पर कोई अपने बेटे के साथ था एक पैराडाइज में। वो एरिस था जिसने लड़ाई लड़ी थी, जिसके पास कई लोगों को तबाह करने की ताकत थी, लेकिन आज वो अपने बेटे के साथ खुश था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी और एक साउंड आया, वो साउंड जो बिल्कुल भी सही नहीं था। और उसी के साथ समनर रोबोट्स वहां पर आ चुके थे और उन्हें बताया गया था कि गॉड ऑफ वॉर को अपने साथ लेकर आना, और वो उसे समन करते भी है। तभी वो कहता है, तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और अपने हाथ में वो एक्स लेकर कहता है, तुमने अगर समन किया है तो तुम मेरे साथ ग्रेव को ज्वाइन करोगे। इस बार उसका वार पूरी तरह से खतरनाक था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो समनर रोबोट्स थे। जो ब्लड की प्यास उसकी एक्स को थी वो ना बुझ पाई, और उन रोबोट्स के हाथों को इजेक्ट होने के बाद वो क्रिस्टल में कैद होने लगा। लेकिन ये बात उसे तब पता चली जब उसके बेटे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि पिताजी पीछे देखिए। लेकिन तब तक वो पैराडाइज जा चुका था और वो क्रिस्टल में कैद हो चुका था। बैटल रेल, जहाँ पर कलेक्टर अपना एक समनर बुला चुका था अपने एक प्राइज के लिए। यूनिवर्स रिवर एक फायर में से हुई थी, और यहाँ पर मैंने लोगों को जिन कंटेनमेंट्स के साथ बुलाया है उस सब्सटेंस को ISO-8 कहा जाता है अर्थ पर। इस फ्रेगमेंट के साथ मैं उन्हें यहाँ पर बुलाता हूँ। तब हम देखते हैं कि एरिस को बुलाने के साथ ही वहाँ पर वो भी कंटेस्टेंट्स थे जो कि इससे पहले हमने देखे थे, यानी कि गुलोटिन, मास्ट्रो, स्टिक, आयरन मैन, कमोरा और आउटलॉ। यहाँ पर आउटलॉ कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो? तब आयरन मैन कहता है, हाँ ये कलेक्टर है। और गमोरा आगे कहती है, ये एल्डर्स है यूनिवर्स के, मोनोमेनिया की इमॉर्टल्स, जिनकी लाइफ एक ही पर्पस पर टिकी हुई होती है। आयरन मैन आगे कहता है, इस केस में ये सेंटिएंट बीइंग्स को ऐसे इकट्ठा करता है जैसे वो बेसबॉल कार्ड्स हो। और वो आगे कहता है, और मेरे ख्याल से मैं इसके फ्रेंड से भी मिल चुका हूँ, कैंग से, और मेरी पॉसिबल फ्यूचर भी देख ही चुका हूँ। और तब मास्टर की तरफ बढ़ते हुए वो कहता है, तो कैसा चल रहा है फ्यूचर बैनर, सब कुछ अच्छा तो है, और क्या तुम अब भी गुड गाइस के साथ हो? तब मास्टर अपना हाथ पटकते हुए कहता है, बैनर यहाँ पर नहीं है तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हो। तब वो डरते हुए कहता है, ओ ठीक है, मुझे लगा तुम बैनर हो, ये वाला गलत हल्के। यहाँ पर जो समनर्स थे वो एक से बढ़कर एक फाइटर्स थे। और तब गमोरा कहती है कि बहुत हो चुका, इसने इन लोगों को एक टॉय की तरह बांध कर रखा है। तभी स्टिक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें से किसी ने उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की? हमने की। और तब फ्लोटिंग कहती है, और हम थक हार कर अपने क्रिस्टल में वापस कैद हो गए, और जब तुम ये सब देख रही थी तब हम ये कर चुके थे। तब स्टिक कहता है, हमें इस चीज को समझना होगा, परखना होगा और स्मार्ट हीरोज की तरह काम करना होगा, ना कि उतावला होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी होगी। तब गमोरा कहती है, तुम कावट की तरह बात कर रहे हो, क्या हम उनके सामने घुटने टेक दे? लेकिन तभी आउटलॉ देखता है, वो देखो वहाँ पर कुछ दिख रहा है, और वो देख रहा था कि एरिस उन लोगों को देख रहा है उस क्रिस्टल में से। लेकिन कलेक्टर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये देख कर हीरोज अपने फॉर्म में आ चुके थे और एरिस उस क्रिस्टल को तोड़कर बाहर आ चुका था। यहाँ पर मास्टर उसे मारते हुए कहता है, तो अगर ये बाहर आ ही चुका है तो इसे अंदर डालना ही पड़ेगा। और वो एक के बाद एक उस पर घूसे मारने लगता है और कहता है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम गॉड किस चीज के हो? गॉड ऑफ ब्लैक आईज या फिर गॉड ऑफ फर्स्ट राउंड नॉकआउट? किस चीज के गॉड हो तुम? तब उसका पंच पकड़ते हुए एरिस कहता है, गॉड ऑफ वॉर, और इसके साथ कोई बहस नहीं। और तब वो उसके पैरों के बीच में किक करते हुए उसे पीटने लगता है, और ये देखकर गुलोटिन अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने लगती है। और ये देखकर मास्टर कहता है, बॉक्स रूम आइटम 4 राइट रिस्ट टेलीपोर्ट। और इतना कहते ही कैप्टन की शील्ड उसके राइट रिस्ट पर आ जाती है और वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। और यहाँ पर दूसरी टीम भी तैयार हो चुकी थी उससे लड़ने के लिए। यहाँ पर आयरन मैन कहता है कि मैं बाकियों को संभाल लूंगा, लेकिन मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है, और इस लिमिटेड टेक्नोलॉजी में ग्रे हल्क पर काफी खर्च कर चुका हूँ, तो अभी मेरे पास कुछ ही बची है। यहाँ पर मास्टर अपनी शील्ड उसकी तरफ फेंकता है, जिससे बचने का ट्राई आयरन मैन करता भी है, लेकिन उसकी सूट की टेक्नोलॉजी अब
खराब हो चुकी थी और उसके जाते ही गमोरा और आउटलॉ दोनों उस पर एक के बाद एक वार करने लगते हैं। तब गमोरा उसे मारते हुए कहती है, अब आयरन बहुत हो चुका, अब स्टील की बारी है। तब उसे मारते हुए मास्टर कहता है, अगर तुम आर्मर की बात कर रही हो तो इमेजिन करो कि टोनी ने एक गामा बॉम्ब क्रिएट किया और वो आयरन हल्क बन गया, और इमेजिन करो कि मैंने उससे उसका सूट छीन लिया। क्लू, ये वही वर्ल्ड है जहाँ पर अभी तुम हो, और वो उन दोनों को बेहोश कर चुका था। और वो आगे बढ़ता है एरिस की तरफ। तब एरिस की तरफ देखते हुए कहता है, वॉर गॉड, क्या तुम यहीं पर फिनिश होना चाहोगे? तब उसकी तरफ देख के वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, नहीं, आज नहीं। तब मास्टर कहता है, तो गमोरा सही थी, तुम कावर्ड हो। तब स्टिक कहता है, नहीं, वो स्मार्ट है, वो सिर्फ टाइम ले रहा है, वो तुम्हें जान रहा है, वो तुम्हारी वीकनेस सीखेगा और जल्दी वो तुम्हें फिगर आउट करके तुम्हें जंग में हरा देगा। और ये सुनने के बाद वो वहां से जा रहा था और वो कलेक्टर से कहता है कि प्रिजनर्स को रिसिक्योर करो, उन्हें हीलिंग क्रिस्टल्स दो और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपने क्वार्टर में हूँ। और जिस अंदाज से वो कलेक्टर से कह रहा था, उस अंदाज से ये लग रहा था कि वो अरेंजमेंट करने में कलेक्टर के साथ साथ वो भी शामिल है। सियोल, साउथ कोरिया, जहाँ पर व्हाइट फॉक्स गन आर का एक सैंपल ले चुकी थी और वो इससे पहले अपने कुछ दुश्मनों से लड़ रही थी, जहाँ पर उसे ये पता चला था कि ये इस अर्थ का नहीं है, ये किसी और अर्थ का है और गन आर में से कुछ इम्पोर्टेंट गायब था। और यहाँ पर अपने क्वार्टर में माएस्ट्रो कुछ छुपी हुई चीज निकालता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, मैं हूँ माएस्ट्रो और मैं ग्रेटेस्ट गेम प्लेयर हूँ इन सब क्रिएशंस में। ग्रैंड मास्टर, दूसरा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजर, गेमिंग मेरा पर्पज है, ये मेरा फंक्शन है, मैं गैम्बल तब से कर रहा हूँ जब स्टार्स यंग थे और मेरे हाथ में सिर्फ इतना आइसोस्फीयर क्यूब है, हम हार क्यों रहे हैं, वो भी मेरे भाई से जो कि इडियट है, उसका समनर माइस्ट्रो, उसने कुछ ऐसे कंटेस्टेंट मंगाए हैं जो कि मेरी टीम पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? तब कोई शख्स अंधेरे में बैठा हुआ कहता है, तुम्हारे रूल्स है कि वो अपने रिंगर्स यूज कर सकता है अपनी टीम के लिए और उसने अच्छे वाले चुने हैं। तब वो कहता है, तुम भी मेरे समनर हो, तुम भी किसी भी यूनिवर्स से अपने लोगों को बुला सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि मेरी ओथ के हिसाब से मैं उन लोगों को नहीं बुलाऊंगा जो कि मेरे रियलिटी से है, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा डिस्क्वालिफिकेशन को। तब वो आदमी कहता है, तो ठीक है, इस बार क्रिमिनल्स आएंगे मर्डर करने के लिए। और तब हम देखते हैं कि वो जैक कैलोस था, पनिशर 2099, जो बुलाने वाला था द वॉइड, मैडम हाइड्रा, बुलसाई, वेनम और जॉयफिकेट को। और अगले एपिसोड में हम एरिस वर्सेस सेंट्री, कुलोटिन वर्सेस बुलसाई और हल्क्स, जो कि शायद बहुत सारे होंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।